कोर्ट ने जब पिछले साल केस को या सरकारी कंपनी को जैसे कि सुरक्षा ऐसा है रिसोर्सेज है वो पूरा करे प्रोजेक्ट्स सो दैट बैलेंस ऑफ अबाउट 20,000 यूनिट्स आपके दिवालिया बैंकों के लिए आप LIC को खड़ा कर सकते हैं। ये हम होम बायर्स को फाइनेंशियल क्रेडिटर्स का स्टेटस दिया गया, लेकिन JP के अंदर 2011 में मैंने फ्लैट लिया था। अभी यहाँ पे डिमांड का मतलब होम बायर्स, आई एम रिप्रेजेंटिंग ए होम बायर्स एसोसिएशन, तो अभी यहाँ पे डिमांड क्या, हमने जो पैसा पे किया है उसके लिए हमको मकान चाहिए। वो हम अपने अपने राइट की जो फंडामेंटल राइट है, जो शेल्टर है जिसके लिए मैंने पैसा पे किया है, वो चाहिए। JP क्या कर रहा है, JP ने हमारा पैसा साइफन ऑफ किया एक्सप्रेसवे की कंस्ट्रक्शन में और दूसरे प्रोजेक्ट्स में, तभी आज वो दिवालिया की कंडीशन पे पहुंचा। उससे उसकी इंटेंट क्लियर हो गई कि मेरे को नहीं मिला। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि JP कह रहा है कि भाई मैं इतना पैसा लेके आ रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2,000 करोड़ रुपए दो आप, जिससे कि जो नीडी है, जिसका हैंड टू माउथ घर में जिसके सुसाइड हो रही है, वो होम बायर अपना पैसा लेके कुछ ठीक है बाहर निकले, वो पैसा जमा नहीं करा रहा। उसके बाद वो 10,315 करोड़ का दे रहा है। उस पूरे प्रोसेस में जो दिवालिया के प्रोसेस में वो गया था, उसमें उनकी इंटेंट क्या थी, उसकी इंटेंट ये थी कि इस दिवालिया में मेरी लायबिलिटी कम हो जाए, जब मेरी लायबिलिटी कम हो जाएगी तो मैं इसी कंपनी को आके दोबारा बीच में ले लूँगा। तभी गवर्नमेंट ने IBC प्रोसेस में एक सेक्शन 29A आ गया, जिसमें कि जो दिवालिया वाला प्रमोटर है वो उस कंपनी को बाई नहीं कर सकता। अब उसके कारण उनके हाथ पैर स्टॉप हो गए। उस एक और चीज़ हुई कि NCLT का प्रोसेस में उन्होंने सोचा कि एक साल NCLT का प्रोसेस चलेगा, उसके बाद हम लिटिगेशन में डाल देंगे, 2-3 साल के अंदर ये जाएगा, उतने मैं अपना जो बाकी भी बचे हुए फंड है उनको साइफन ऑफ कर दूंगा। अब क्या हुआ कि जब होम बायर्स के किसी का आप हार्ड अर्न मनी को खींच लोगे तो वो चिल्लाएगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हमारी डिमांड सुनी, हमारा केस सुप्रीम कोर्ट में एडमिट हो गया। एक साल तक JP वेट करता रहा कि मैं इनका एक रेजोल्यूशन बन के आ रहा था, एक बिडर फाइनलाइज हो गया, सब कुछ हो गया, एक महीने तक निगोशिएशन मीडिया डेली उसको दे रहा था। उसको लास्ट दिन पे, 2 दिन पहले, जब 270 दिन इसके प्रोसेस के पूरे हो रहे थे, वहाँ पे वो आपका मतलब कि रेजोल्यूशन फेल हो रहा है और उसके बाद JP आ रहा है। अभी भी 10,315 करोड़ का लेके आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर में दिया कि आप 1,000 करोड़ दो, अदरवाइज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। उनकी पर्सनल लायबिलिटीज ली गई है, उनके पर्सनल एसेट्स है, उन्होंने एफिडेविट डिक्लेयर करके दिए हैं। उनके जो एफिडेविट्स, उनके जो अपने पर्सनल एसेट्स हैं, उन्हीं को सेल कर दिया जाए तो हमारे होम ये JP विस्टाउन की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी। तो अब ये JP जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है या जो भी कुछ कर रहा है, वो सिर्फ मिसगाइड करने के लिए, ग्रुप को ब्रेक अवे करने के लिए। यहाँ पे सारे होम बायर्स हैं, वो कुछ डिमांड नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं हमने पैसा दिया है, हमारा राइट है, जिस चीज़ का मैंने पैसा दिया है मेरे को वो चीज़ चाहिए।